खबर दे आपको, सानिया साहिवाल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दो गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। जेआईटी ने साहिवाल में यानी शाहिदीन के बयान कलमबंद करने के लिए इश्तिहार भी दे रखा था। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दो गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद शेख, आगाह कीजिएगा, बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल शौक, जो सानिया साहिवाल के हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, तो इस सिलसिले में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से कल के मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार भी दिए गए थे कि तमाम वो लोग जो यानी शाहिदीन हैं, गवाह हैं, वो साहिवाल में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है। तो वीडियो जो उस वक्त बनाई गई या कोई ऐसा सबूत जो है वो लेकर वहाँ पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जो है वो आ जाएं, और इस सिलसिले में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो सरबरा हैं एजाज शाह समेत दीगर टीम के अरकान जो हैं वो साहिवाल गए थे, और तकरीबन 3 से 4 घंटे के दौरान वहाँ पर जेआईटी टीम ने क्याम किया, जिसमें दो गवाहों के जो यानी शाहिदीन थे उनके बयान जो है वो कलमबंद किए गए। और इस हवाले से ये भी जेआईटी की जानिब से कहा गया था कि अगर कोई शख्स अहम सबूत फराहम करता है और उसका नाम सीगा राज में भी रखा जाएगा। इसके अलावा जेआईटी की जानिब से खलील के भाई जो जलील हैं उन्हें भी साहिवाल आने के लिए जो है वो तहरीरी तौर पर कहा गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे, और उनके साथ जाने वाले खलील के साथ जाने वाले जो दीगर रिश्तेदार थे उन्हें भी गवाह के तौर पर साहिवाल में ही बुलवाया गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। जी ठीक है, जेआईटी ने दो गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख आपका।